गाइस एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है, कुछ ज्यादा बड़ी एक खराब न्यूज आई है जिसमें हमारी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन को ऑस्ट्रेलियन कैप में 0 स्टार एन कैप रेटिंग मिली है। लिटरली 0 स्टार एन कैप रेटिंग। हमारे इंडिया में इस गाड़ी को 5 स्टार एन कैप रेटिंग मिली है। हर एक गाड़ी को 5 स्टार एन कैप रेटिंग मिलती है फिलहाल। मैं सपने दिखाने वाला नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी गई एन कैप के लिए, इस गाड़ी को 0 स्टार एन कैप रेटिंग मिली है, लिटरली 0 स्टार। जिस पेडेस्ट्रियल में हम ऑल्टो को रखते हैं या फिर एस्प्रेसो को रखते हैं, उसी पेडेस्ट्रियल पे ऑस्ट्रेलियंस ने हमारी स्कॉर्पियो एन को रखा है। देखते हैं भाई इसके पीछे की क्या स्टोरी है। छोटी बेकार रेटिंग दी है और उससे पहले सब्सक्राइब कर लो भाई अरिस्टो कार को, काफी मजे आते हैं आप सब्सक्राइब करते हो। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन एन कैप की वेबसाइट है जहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली इस गाड़ी को रेटिंग दी है 0 स्टार रेटिंग। भाई लिटरली फेल होके आ गई हमारी गाड़ी, जिसमें इस गाड़ी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 44% की रेटिंग मिली है, 17.67 आउट ऑफ 40। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 80 की मिली है, काफी तगड़ी है। वल्नरेबल रोड यूज प्रोटेक्शन की 23 मिली है जो कि डिसेंट है, और सेफ्टी असिस्टेंट में 0 मिली है क्योंकि इस गाड़ी में कोई भी आपको एडास वगैरह नहीं मिलता। सबसे पहले देखते हैं एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में क्या लिखा है इन्होंने। तो पैसेंजर कंपार्टमेंट रिमेन स्टेबल इन द फ्रंटल ऑफसेट MPBD टेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द ड्राइवर चेस्ट एंड लो लेग्स वर एडिक्वेट, प्रोटेक्शन वॉज गुड फॉर ऑल क्रिटिकल बॉडी रीजंस फॉर बोथ द ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर। मतलब जब इस गाड़ी का फ्रंट इंपैक्ट टेस्ट हुआ तो काफी डिसेंट इस गाड़ी में आपको प्रोटेक्शन मिलती है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है भागे लोगों को। द फ्रंट स्ट्रक्चर ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो प्रेजेंटेड अ हाई रिस्क टू ऑक्यूपेंट्स ऑफ एन ऑनकमिंग व्हीकल इन द MPBD टेस्ट एंड द मैक्सिमम 8-point पेनल्टी वॉज अप्लाइड। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर दो गाड़ियां भिड़ती है तो जो सामने वाली गाड़ी वाले लोग हैं उन्हें काफी खतरा है इस गाड़ी में भिड़ने से, जो कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, पर भाई वहां के लोगों को फर्क पड़ता है। तो वहां पे ये लिख दिया इन्होंने, इन द फुल विड्थ फ्रंटल टेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द ड्राइवर डमी वॉज वीक फॉर द चेस्ट एंड गुड फॉर ऑल अदर क्रिटिकल बॉडी एरियाज। मतलब फ्रंट वाला जो फुल इंपैक्ट है उसमें चेस्ट में काफी बेकार प्रोटेक्शन हमारी स्कॉर्पियो एन में। प्रोटेक्शन ऑफ द रेयर पैसेंजर हेड नेक एंड चेस्ट वॉज पुअर बेस्ड ऑन डमी रीडिंग एंड हाई सीट बेल्ट लोड्स। तो दोस्तों हम जो सोच रहे थे भाई हमारी गाड़ी बहुत ही सेफ है, बाहर के लोगों ने तो कुछ ज्यादा इसकी औकात दिखा दी, और इसके जो पीछे वाले ऑक्यूपेंट्स है उनको भी काफी डिसेंटली बेकार इन्होंने रेटिंग दी है कि कह रहे वहां पे भी काफी वीक प्रोटेक्शन है, वहां पे खतरा हो सकता है जो लोग बैठे हैं। हमारे इंडिया में तो भाई हम सोचते हैं ऐसे पक्की कोई गाड़ी नहीं है। इन द साइड इंपैक्ट टेस्ट प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू ऑल क्रिटिकल बॉडी regions of the driver was good, however the driver seat belt was observed to unlatch during impact increasing risk of potential injury। मतलब जब ये गाड़ी भिड़ी तो इसकी जो सीट बेल्ट है खुल गई, उससे इंजरी और हो सकती है। भाई कैसी सीट बेल्ट लगा रहे हो महिंद्रा वाले हो तुम। इन द ऑब्लिक पोल टेस्ट प्रोटेक्शन वॉज मार्जिनल फॉर द चेस्ट ऑफ द ड्राइवर एंड गुड फॉर ऑल द क्रिटिकल बॉडी रीजन, अ सेंटर एयर बैग टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द हेड ऑफ फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट्स इन साइड इंपैक्ट इज नॉट अवेलेबल। मतलब बीच में वो कह रहे कि एक एयर बैग होना चाहिए ताकि दोनों फ्रंट के पैसेंजर्स का सर ना भिड़े, पर भाई वो तो इंडिया में किसी गाड़ी में नहीं आता फिलहाल, इंडियन गाड़ी में, तो हम चलो कोई बात नहीं दे नहीं सकते। टेस्टिंग ऑफ द फ्रंट सीट्स इंडिकेटेड पुअर प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हिप्लैश इंजरी इन रेयर इंपैक्ट क्रैशेस, अ ज्योमेट्रिक असेसमेंट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रो सीट शोड मार्जिनल प्रोटेक्शन फॉर दोस पोजीशंस। मतलब जब इस गाड़ी को पीछे से कोई मारता है तो इसकी सीट इतनी बढ़िया नहीं है कि जो ऑक्यूपेंट्स है उनकी रीढ़ की हड्डी वगैरह बचा है, उन्हें भी भाई बहुत ज्यादा हार्म आने वाला है। अ मल्टी कोलिजन ब्रेक सिस्टम इज नॉट फिटेड, इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इफ द कार एंटर्ड वॉटर द डोर्स ऑफ द महिंद्रा स्कॉर्पियो वुड रिमेन फंक्शनल फॉर द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, दो विंडो ओपनिंग फंक्शनैलिटी वॉज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड। मतलब जब ये गाड़ी पानी में जाती है तो इसके दरवाजे खुल जाएंगे, पर ये नहीं पता कि भाई इसकी खिड़कियां खुलेंगी या भी नहीं। दोस्तों ये ऐसे वॉइस ऑफ कितनी ज्यादा इसमें ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हैं ऐसे 3D में कि यहाँ पे इन्होंने क्रैश करा तो कैसा इसमें डिडक्शन आया, जो बंदे उनकी बॉडी पे कितना आया, जब साइड इम्पैक्ट हुआ तो कितना मुड़े ये बंदे और कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आया। हमारे इंडिया में तो भाई फ्रंट इम्पैक्ट करके हम बहुत खुश होते हैं, भाई हमारी गाड़ी बहुत सेफ है। इन लोगों ने रियल औकात दिखाई है हमारी गाड़ी की कितनी बढ़िया सेफ्टी है। फिर अगर आप देखें चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इस गाड़ी को 80% की रेटिंग मिली है जो कि काफी डिसेंट है इंडिया के हिसाब से भी। डायनामिक टेस्ट फ्रंट में से 14.7 की मिली है, रिस्ट्रेन इंस्टॉलेशन में 10 की मिली आउट ऑफ 12, डायनामिक टेस्ट साइड में 8 की मिली आउट ऑफ 8, काफी डिसेंट है, और ऑनबोर्ड सेफ्टी फीचर्स में 7 की मिली आउट ऑफ 13। इन द फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द नेक एंड चेस्ट ऑफ द 10-year-old चाइल्ड डमी वॉज रेटेड एज मार्जिनल। मतलब डिसेंटली टूटी है पूरी नहीं टूटी गर्दन, अदरवाइज प्रोटेक्शन ऑफ बोथ चाइल्ड डमीज वॉज गुड। इन द साइड इंपैक्ट टेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ बोथ चाइल्ड डमीज वॉज गुड। चलो बढ़िया भाई, मतलब साइड इंपैक्ट में दोनों जो हमारे बच्चे पीछे बैठे हैं बढ़िया उन्हें सेफ्टी मिल रही है। नाइदर आइसोफिक्स नॉट टॉप टेदर एंकरेजेस आर अवेलेबल इन थर्ड रो, इंस्टॉलेशन ऑफ चाइल्ड रिस्ट्रेंट्स इन दीज सीटिंग पोजीशंस इज देयरफॉर नॉट रिकमेंडेड। मतलब पीछे आप थर्ड रो में कह रहे बच्चों को मत बिठाओ, वहां पे चाइल्ड सीट सपोर्ट है नहीं, दिक्कत बैठ जाएगी। अ चाइल्ड प्रेजेंस प्रोटेक्शन CPD सिस्टम इज नॉट फिटेड टू एनी वेरियंट। ये क्या होता है भाई, ये तो पता नहीं मुझे। चलो कोई बात नहीं, हमें पता नहीं इसके बारे में, आप लोग कुछ ज्यादा आगे चल रहे हो हमसे। इंस्टॉलेशन ऑफ टिपिकल चाइल्ड रिस्ट्रेंट्स अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड शो
showed most child restraints could be accommodated in second row outboard seating position. However, child restraints using the isofix restraints could not be correctly installed as the seat trim interfered with the attachment of anchor fitting. मतलब सही से फिटिंग नहीं हो रही भाई सीट बच्चे वाली सीटों की, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो इसमें भाई ऐसी आई है जिसमें गर्दन वर्दन सब बढ़िया बच्चे की, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ खराबी होने नहीं वाली। और बाकी ये ऐसे दिखा रखा है कि चाइल्ड रिस्ट्रेंट टाइप में रेयरवर्ड फेसिंग कैप्सूल में ऐसे। भाई कितना ज्यादा इंटेंस है इनकी टेस्टिंग, हमारा तो भाई कुछ भी नहीं होता, हम तो भाई लिटरली सामने से ठोक के साइड से ठोक के देख देते हैं गाड़ी को, कितनी बढ़िया सेफ्टी है। ये होता है भाई रियल असेसमेंट, इसमें तो हमारी हर एक गाड़ी की 0 स्टार रेटिंग आने वाली है भाई साहब। फिर अगर आप देखें वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन में, मतलब जो पेडेस्ट्रियन रोड पे चल रहे हैं उनकी कितनी प्रोटेक्शन होने वाली है अगर वो इस गाड़ी से टकराते हैं। द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द बोनेट ऑफ द महिंद्रा स्कॉर्पियो टू द हेड ऑफ अ स्ट्रक पेडेस्ट्रियन वाज मोस्टली मार्जिनल और एडिक्वेट विद वीक एंड पुअर रिजल्ट्स रिकॉर्डेड ऑन द फ्रंट ऑफ द बोनेट एट द बेस ऑफ द विंडस्क्रीन एंड ऑन द स्टिफ विंडस्क्रीन पिलर्स। मतलब सामने से थोड़ी सही प्रोटेक्शन है साइडों में, और आगे जाके जब आप विंडशील्ड के पास जाते हो तो भाई सर सुर फूट सकता है अगर कोई बंदा इस गाड़ी से टकराता है। प्रोटेक्शन ऑफ पेल्विस फीमर्स एंड लोअर लेग्स वाज मोस्टली पुअर। द महिंद्रा स्कॉर्पियो इज नॉट फिटेड विद एनी फॉर्म ऑफ ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग लेन सपोर्ट और साइक्लिस्ट एंटी डोर्स एंटी डोरिंग सिस्टम एंड दीज टेस्ट वर नॉट कंडक्टेड। तो इसलिए कोई ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग वाले टेस्ट करे ही नहीं है, उससे भी इस गाड़ी की रेटिंग काफी खराब हुई है। पर भाई ये देखो भाई लिटरली कितना ज्यादा इंटेंस टेस्ट होता है इनका। फिर अगर आप देखिए सेफ्टी असिस्ट में इस गाड़ी को 0 की रेटिंग मिली है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको कोई भी सेफ्टी असिस्ट वाले फीचर्स ही नहीं मिलते, ना आपको ADAS मिलता है, ना आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलती है, ना आपको लेन डिपार्चर लेन कीप असिस्ट वगैरह मिलता है। द महिंद्रा स्कॉर्पियो इज नॉट फिटेड विद एनी फॉर्म ऑफ ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लेन सपोर्ट सिस्टम और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड दीज टेस्ट वर नॉट कंडक्टेड एंड इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस सिस्टम इज नॉट अवेलेबल। अ सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम इज फिटेड फॉर ऑल फ्रंट एंड रियर सीटिंग पोजीशन, हाउएवर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर रियर सीट्स and therefore not eligible for scoring। तो बाहर के ऑस्ट्रेलिया वाले लोग जाते हैं कि पीछे वाले जो सीट है उसमें भी ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम हो कि अगर कोई बंदा बैठ और वाकई एयरबैग्स खुल जाए, पर इस गाड़ी में वो वाली सिस्टम है नहीं। ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम इज नॉट अवेलेबल। तो भाई हमारी गाड़ी थोड़ी खराब है यार, थोड़ी दिक्कत बैठ गई इसमें, और इसलिए इस गाड़ी को सारे उसमें अगर आप देखें 0 स्टार रेटिंग मिली है, क्योंकि कोई भी इसमें आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती नहीं है। तो भाई ये देखो कितना सारा 0-0 हो रखा है, और ये पूरा भाई 10 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर पर आ की स्पीड से टेस्ट करते हैं ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग को। भाई कितना ज्यादा इंटेंस है इनका टेस्ट, ये होता है भाई टेस्टिंग। भाई हमारे इंडिया में हम क्या चौड़े होते हैं भाई, हमारी गाड़ी में 5 स्टार की रेटिंग है, ये सारी भाई मद्दू गाड़ी है भाई जिनकी हम 5 स्टार रेटिंग बोलते हैं, कुछ औकात नहीं है भाई इन लोगों की। और बाकी ये देखो ये टारगेट व्हीकल स्पीड वगैरह भी है और क्रॉसिंग टी बोन वगैरह भी ऐसे एकदम दे रखा है कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। इस गाड़ी में सिस्टम है ही नहीं, तो सब में इस गाड़ी को 0 स्टार रेटिंग मिली है, और ये सब करने की वजह से इस गाड़ी को ओवरऑल अराउंड 0 स्टार की रेटिंग मिली है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ADAS वगैरह नहीं मिलता। पर तब भी अगर आप देखें इस गाड़ी में अगर ADAS होता भी तब भी इस गाड़ी को 2-3 स्टार की ही रेटिंग मिलती, ऐसा नहीं है 5 स्टार रेटिंग मिल जाती। काफी सारे मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं कि क्योंकि इस गाड़ी में सिर्फ ADAS नहीं है तो इसलिए इस गाड़ी को 0 स्टार रेटिंग मिल गई, ऐसा नहीं है भाई। बाकी जो सारी चीजें है उसमें भी काई इस गाड़ी को इतना कुछ बढ़िया स्कोर मिला है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 44% का, चाइल्ड में डिसेंट है 80% का, पर बाकी वल्नरेबल रोड यूज प्रोटेक्शन में 23% का स्कोर है परसेंट का। तो भाई इस गाड़ी का ऐसे कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है, हमारी गाड़ी हमें लगता है ना बहुत सेफ है, हमारी गाड़ी इंडिया के हिसाब से सेफ है, जो हमारे टेस्ट है उनके हिसाब से सेफ है। हमारे टेस्ट इतने आसान है कि भाई सेफ होगी, पर बाहर के जो मेट्रिक्स है इतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के हैं कि उनके हिसाब से हमारी गाड़ियां कोई स्टैंड ही नहीं करती। शायद जो हमारी XUV 7W है वो इधर बढ़िया स्कोर कर लेती, क्योंकि उसमें आपको ADAS मिलता है तो वो 2-3 स्टार स्कोर कर लेती, पर बाकी जो मर्जी इंडिया में अल्ट्रोस वेल्ट्रोस 5 स्टार आती है ना सारी इधर पिटती। तो आप बताना भाई आपको क्या लगता है कि हमारे इंडिया में भी यही वाले क्रैश स्टैंडर्ड क्या आने चाहिए या फिर नहीं। इनसे गाड़ियों का प्राइस काफी बढ़ जाएगा पर सेफ्टी बहुत ही बढ़िया होगी। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।